शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना का नाम ही योग है, जो सरल है, सहज है और उपयोगी है। योग दिवस के मौके पर एक बार फिर दुनिया भर के लोगों ने योगा अभ्यास किया। हरियाणा में भी सभी जिलों में योग शिविर का आयोजन किया गया। सभी जिलों में सरकार के मंत्री लोगों के बीच पहुंचे और साथ मिलकर योग का अभ्यास किया। फरीदाबाद में बीजेपी के हरियाणा प्रभारी बिप्लव देव, पंचकुला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और कुरुक्षेत्र में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने योग शिविर में हिस्सा लिया। योग शिविर को लेकर छात्रों में भरपूर उत्साह दिखाई दिया। योग साधना अगर छात्र जीवन से ही दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो शरीर सेहतमंद रहता है। छात्र ही नहीं, झज्जर में 90 साल से ज्यादा के बुजुर्गों ने भी योग शिविर में हिस्सा लिया और बताया कि सेहतमंद जीवन के लिए योग कितना जरूरी है। मेरी उम्र 95 साल की हो चुकी है। हाँ, तो मैं योगा या गामा में भी हिस्सा लेता हूँ और दौड़ में भी मुझे इसमें खेलो इंडिया में मतलब उसने अपने मंत्री जो है ना इसका खेल मंत्री उसने सम्मानित किया था और फिर इसने सीएम साहब ने मुझे बधाई दी थी। तो मैं अपना ये मुझे शौक है और आज भी आपके सेवा में मैं आया हूँ ये बच्चों को प्रेरित करने के लिए कि इस उम्र में भी मैं ये इतना बूढ़ा लग रहा था तो हमें भी हिम्मत करनी चाहिए। तो इससे प्रेरणा मिलती है बच्चों को और इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम जारी रखता हूँ। योग दिवस की ये तस्वीरें हरियाणा के हर हिस्से से सामने आई है, जहाँ लोग हरियाणा की धरती से दुनिया भर को योग को अपनाने का संदेश दे रहे हैं। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।